गाड़ी आ गई जी सर। गाड़ी तो आ गई सर, लेकिन अभी तो जाओ छुट्टी करो। क्यों इतनी मेहनत करते हो, जाओ थोड़ा जिंदगी को एंजॉय करो। सर सर आपको जरूरी काम था ना। अरे भाई कल का सारा दिन पड़ा है, हो जाएगा। सर वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स कोरियर से भेजने थे, कल लास्ट डेट है। नहीं हम कोरियर से नहीं भिजवाएंगे, हैंड डिलीवर करवाएंगे, शुएब ले जाएगा। सर आपको रेट्स की एंट्री भी तो करवानी थी, फिर प्रिंट आउट भी निकालने में टाइम लगेगा, फिर बाइंडिंग भी तो होना है सर। वो सब मैंने कर लिया है, बाइंडिंग सुबह करवा लिया। यानी मैं बस प्रिंट आउट निकलवा लूं। मैंने कहा ना कि मैंने सब कर दिया है, प्रिंट आउट निकाल दिया है और फाइल भी डिलीट कर दी। अरे भाई इन कंप्यूटर का कोई भरोसा नहीं, एक से एक बड़ा घाट पड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये पासवर्ड वगैरह की कोई अहमियत नहीं है, सब बेकार है उनके साथ। लेकिन सर वो हमारे पास रिकॉर्ड की कोई कॉपी भी तो होनी चाहिए ना। है वो भी है, जिसे मैंने सीडी पर सेव कर दिया है और भी जा रही है मेरे साथ। हाँ वो डॉक्यूमेंट साइन करके मैंने कैबिनेट में रख दिया, सुबह बाइंडिंग करवा देना। चलो ना जी। अब शोएब में तो चाबी भर जाएगी, बड़ी देर से परेशान था। कितनी रौनक आ गई थी चेहरे पर यह सुनकर के कागजात में ही दराज में ये दोनों तीर की तरह अंदर जाएंगे, वो मेरे दफ्तर में बेधड़क घुसेगा और पहुंचेगा सीधा मेरी मेज पर। और नफीसा नफीसा अभी इस खेल में नहीं है, वो थोड़ा घबरा रही होगी। अब तक शोएब ने दराज का ताला खोल लिया, छोटे मोटे ताले खोलना तो उसके बाएं हाथ का काम है, और जब टेंडर डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में आएंगे तो खुशी से उसकी बांछे खिल जाएंगी। मगर बड़ा मोहताद है, इसलिए पहले मेरे दस्तखत देखेगा, फिर फोन उठाकर मिलाएगा इशरत एसोसिएट का नंबर, जो उसे यकीनी तौर पर जबानी याद होगा।
अब फिर एक एक करके तमाम आइटम रेट्स उनको लिखवाने का काम शुरू। और नफीसा डर रही होगी कि कहीं सिक्योरिटी वाला ना धमके। पुअर गर्ल, शुएब ने से ये तो नहीं बताया होगा कि गार्ड से भी उसका लेन देन बंधा हुआ है, और डरने की कोई बात नहीं है। जी, आइटम नंबर 2650। क्यों ना इस मौके पर सस्पेंस पैदा कर दिया जाए थोड़ा सा। जी जी बिल्कुल। आइटम नंबर 7A 7200 7200। जी, उसके बाद है आइटम नंबर 8A 6000। जी, हेलो, तुम अभी तक दफ्तर में हो? सर नहीं, सर सर वो बस में जा रहे थे। सर का फोन है। सुनो, अच्छा हुआ कि तुम वही हो, मैं दफ्तर वापस आ गया हूँ, ऊपर आ रहा हूँ। वो ऊपर आ रहे हैं। जी जी सर। क्यों सर? भाई क्या शोर है, कौन है दफ्तर में, क्या हो गया? कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। कोई नहीं है क्या? शुएब तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया? वो तो चला गया, मेरा मतलब है कि वो चले गए। वो कह रहे यही है, मेरा मतलब है कि वो चले गए थे, आ गए। चला गया, अच्छा हुआ, मैं अब ऊपर नहीं आता। सुनो, उससे कहना कि फ्लाईओवर वाले नक्शे वाली फाइल लेकर घर आए, मैं वही लेने आ रहा था। सर आप अच्छा कर रहे हैं। अरे अरे नफीसा, तुम ठीक तो हो, क्या हुआ? मैं ऊपर आता हूँ। नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो मेरा हाथ दब गया था। हाथ दब गया था? कहाँ? दांत में, वो पैर के नीचे। नहीं सर, मेज के दराज में। पैर के नीचे, मेज के दराज में? लगता है तुम ठीक नहीं हो। जी मुझे बुखार सर, मुझे बुखार। अच्छा, तुम शुएब से मेरी बात कराओ। सर तुमसे बात करेंगे। हेलो जी, भाई साहब आप कहाँ हैं? यहीं पार्किंग लॉट में। अच्छा, ऊपर आने की सोच रहा था। दफ्तर में सब ठीक है ना? जी नहीं, यहाँ पे सब ठीक है। ये तुम दोनों की आवाजें क्यों नहीं निकल रही? आप नीचे है ना, मैं नहीं चाहता। नहीं, तुम ना देखो, नफीसा शायद बीमार है, उसे कोई दवा दे दो। अपने कुलीग्स का ख्याल रखना चाहिए भाई, मिलजुल के काम चलाना पड़ता है। जी मैं दे दूंगा दवा इसको, वैसे बिल्कुल ठीक है। मैं नहीं चाहता। अरे नहीं भाई, मैंने नफीसा से कहा था कि वो तुमसे कहे कि फ्लाई ओवर के नक्शे वाली फाइल लेते आना, मैं ऊपर नहीं आ रहा। आप नहीं आ रहे? ये बिल्कुल ठीक है। फाइल लेते आना। जी कौन सी फाइल? अरे भाई वही जो भी मैंने तुमसे कहा और नफीसा से भी कहा था, फ्लाई ओवर के नक्शे वाली फाइल। जी उसने तो मुझे नहीं बताया। आप जा रहे? नहीं, एक काम और है। कोई और काम है? जी मैं कर दूंगा। बोले आप बोले भाई साहब। वो ट्रैवल एजेंट से आते हुए ना टिकट पिक करना ना भूलना, तुम्हारी बाजी दुबई जा रही है। दुबई जा रही है भाई साहब, और कुछ? नहीं, टेक केयर। पर हाँ, टिकट लेना ना भूलना, समझे? जी मैं ले आऊंगा। जी बाजी दुबई जा रही है। अरे भाई दो चार दिन की बात है, आ जाएंगे वापस, इतनी जज्बाती होने की क्या जरूरत है। टेक केयर, सी यू। बाजी दुबई जा रही है।
ये बहन भाई की जोड़ी भी खूब है, एक को उठाओ तो दूसरे को बिठा दो। फैसला करना मुश्किल होगा कि कौन बड़ा फ्रॉडिया। खैर इस दुनिया में कौन है जो किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई फ्रॉड ना कर रहा हो। खुद मैंने क्या नहीं किया, क्या था मेरे पास जब मैं इस शहर में आया था? अब मेरे पास क्या नहीं है? खूब चलता हुआ कारोबार, घर, जायदाद, गाड़ी, बैंक बैलेंस, ढेर सारी ब्लैक मनी, बीवी। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैंने गजाला से शादी क्यों की थी। शायद उन दिनों ये मेरी कारोबारी जरूरत थी भाई। बिजनेस जो बढ़ चुका था, जिस सर्कल में मैंने अपने आप को पाया वहां पार्टियों का रुझान था। पार्टियां क्या है, ये तो बस बिजनेस ट्रांजैक्शन और डील्स को फाइनलाइज करने के लिए बहाना मुहैया करती हैं भाई। अब सारी बातें सरकारी दफ्तरों के अंदर बैठकर तो तय नहीं की जा सकती ना, उनके लिए रिलैक्स एटमॉस्फेयर चाहिए, लहराते हुए रंगीन आंचल और मौसीकी। मुझको भी पार्टियां देना पड़ती थी, इनके लिए को होस्टेस चाहिए थी जो अंग्रेजी बोल सके, लोगों को एंटरटेन करना जानती हो। फिर मुझे गजाला मिल गई जो मेरी इस जरूरत को पूरा करने की तमाम सलाहियतें रखती थी। वो मुझसे उम्र में खासी कम थी, जिसकी वजह से लोगों में काफी चहमक हुई होंगी। मगर वो कहते हैं ना कि जब मियां बीवी राजी तो भाई ये उम्र का फर्क ही तो था जिसकी वजह से गजाला ने शादी की मुझसे। उसका शाह खर्चियों का शौक और साथ साथ नौ उम्र दौलतमंद बेवा बनने का ख्वाब, मेरी कारोबारी जरूरत, नतीजा हमारी शादी। जज्बाती ना सही, मंतकी लिहाज से तो बिल्कुल दुरुस्त है। कम से कम मैं बिल्कुल मुतमैन हूं इस अरेंजमेंट से। हाँ जहेज में गैर जरूरी शय उसके भाई शुएब की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ी। बहरहाल अब तो ये भाई बहन मेरे एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, उनके खराजात तो मुझको बर्दाश्त करने ही पड़ेंगे। साथ साथ दोनों की खुशफहमी भी बरकरार रखना होगी कि वो मुझे कामयाबी से बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे जव्वाद अली को। ये शोएब बेचारा समझता है कि मुझे उसकी कारस्तानियों का इल्म ही नहीं। मुझे तो उसी वक्त मालूम हो गया था जब उसके आने के कुछ दिन बाद पेटी कैश में कुछ घोटाला होने लगा। फिर एक दफा हमारा टेंडर बिड नाकाम हुआ था, दूसरी कंपनी के और हमारे रेट्स में एक एक रुपए का फर्क इत्तेफाकी तो हो ही नहीं सकता था। मुझे यकीन था कि ये इनसाइड जॉब है और शुएब के अलावा किसी और में ना तो इतनी सलाहियत थी ना मजाल कि हमारी इंफॉर्मेशन को कहीं और पहुंचा सके। इसके बावजूद मैं उसे पाल रहा हूं, बल्कि अब तो मैं उसको अपने कॉम्पिटिटर्स को गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने लगा हूं। जो छोटे मोटे टेंडर होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन मैं बिल्कुल सही उस तक पहुंचने देता हूं ताकि दूसरों को उस पर एतमाद रहे। हाँ जब वाकई कोई बड़ा काम हो जैसा कि ये फ्लाईओवर, तब मिसलीड करने का फायदा होता है। अब असल टेंडर डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास हैं। जो रेट्स उसने पास ऑन किए हैं उसकी बुनियाद पर इश्रत एसोसिएट्स अपना टेंडर बनाएंगे जो नाकाम हो जाएगा। अब उसके बाद वो लोग शुएब के साथ क्या सलूक करेंगे ये तो मेरा कंसर्न नहीं है। बड़े खतरनाक लोग हैं भाई। हाँ बाद में मरहम पट्टी करा दूंगा अगर उन्होंने उसे जिंदा छोड़ा तब। उनसे तो लाखों लेके खर्च भी कर चुका है अपनी अयाशियों पर, कहां से लौटाएगा। सर घर जाएंगे या क्लब ब्रेकअप चलेंगे? नहीं ऐसा करो कि वो नया पार्क जो बनाया ना वहां ले चलो। घर अभी से क्या जाऊं? शुएब साहब की बाजी से फिल वक्त मुलाकात का मूड नहीं, हालांकि वो भी कमाल औरत, कल शाम से अब तक क्या क्या रूप दिखाए हैं उन्होंने।
हेलो हेलो आवाज पसंद नहीं आई क्या? अरे आप कैसे आ गए अभी तो? अरे जनाब ये क्या सवाल हुआ? लगता है पूछने वाले को आना नागवार गुजरा है। शोरों की तो देर से आने की शिकायत करते हैं बेगमात की, जल्दी आने पे तो खुशी का इजहार होना चाहिए, कोई दूसरे अंदाज से स्वागत होना चाहिए। हाँ वही तो, आप हमेशा बाल की खाल निकालते रहते हैं। अच्छा ये बताइए नजीर, मेरे कपड़े ले आया? ये रखे जनाब। ये क्या, ये तो सिर्फ दो हैं, बाकी कहाँ हैं मेरे? ये आप जाने और आपकी बुटीक वाली सहेली, आप तो चुपचाप बिल अदा कर देते हैं, कोई सवाल जवाब नहीं करते किसी से भी। इसको पता था आज की पार्टी का, इसलिए दबा कर रख लिए। इसको मैं नहीं छोड़ूंगी। ओफो अब तो बंद कर गई होगी, शीस रियल। अब मैं क्या पहनूंगी? आपके पास क्या कमी है, अलमारियां भरी हुई हैं। अच्छा मैं तैयार हो रहा हूं, वरना आपका पार्टी टाइम कम हो जाएगा। हेलो बहुत खुश हैं, किसका फोन था? वो ज़ेबा थी। ऐसी क्या खुशखबरी सुनाई उसने कि आपका गुस्सा एकदम ठंडा हो गया? दुबई, दुबई जा रही है, शॉपिंग फेस्टिवल है वहाँ आजकल। वो तो यहाँ भी रहता है हर वक्त। वहाँ की बात कुछ और है। अच्छा मैं भी चली जाऊं सिर्फ 4 दिन के लिए। अरे जब ज़ेबा जा सकती है तो आप क्यों नहीं जा सकती? 4 दिन काफी होंगे आपके लिए? और नहीं तो क्या, इससे ज्यादा मैं और क्या करूंगी वहां? करने का तो बहुत कुछ हो सकता है आपके लिए। बस आपको तंस के अलावा कुछ और नहीं आता। आप सच कह रहे ना, चली जाऊं, जुमे को जाऊंगी और पीर को वापस। बोलिए ना प्लीज। सोचते हैं अभी काफी दिन है, मगर अभी से फैसला करेंगे तो आगे का प्लान बन सकेगा। और फिर मुझे ज़ेबा से भी तो प्लान बनाना है। ज़ेबा आपके बगैर प्लान बना चुकी है। प्लीज जनाब मैं तैयार हो गया, अब आपका क्या ख्याल है, पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल करके दुबई प्रोजेक्ट पे काम शुरू किया जाए? इतनी देर हो गई, बस मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। चलिए हम कुछ काम कर लेते हैं। जब देखा आपने उसे, शो ऑफ, सिविल कमीन थी। आप ही की सहेली है? मेरा मतलब है कोई और क्या कह सकता। सहेली वेली कोई नहीं, जस्ट अ चीप लिटिल शो ऑफ एंड चीट। अरे दोस्ती ऐसी होती है, आदमी जरा बराबर भरोसा भी नहीं कर सकता ऐसो पर तो। अरे सारी मेहनत मेरी थी, सारे डिजाइन्स मैंने इतनी मुश्किल से कैटलॉग से इकट्ठे किए थे, अरे मेरा डिजाइन और ले उड़ी। आपका डिजाइन? लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि आपने कैटलॉग से लिया था। अरे वो तो बाहर का था। ओ हाँ फिर तो आप ही का हुआ। ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं है, आदमी भरोसा करे तो किस पर, सब चोर उचक्के हैं। आपकी ये बात तो 100% दुरुस्त है। अरे भैया बस भी करें, गुस्सा थूकते हैं शायद खराब हो जाएगी। चलिए कोई हल्की फुल्की सी बात करें। दुबई, दुबई का नहीं बताया आपने मुझे, चली जाओ। आज क्या है, मंगल। अरे सिर्फ 2 दिन तो रह गए, बताइए ना, तंग ना करो। तो करा दीजिए ना बुकिंग इस वक्त, वरना पता नहीं सीट मिले ना मिले और सारा प्रोग्राम गारत हो जाएगा। वो आपका ट्रेवल एजेंट तो हर वक्त खुला होता है, प्लीज फोन कर कीजिए ना।
हाँ माँ जी, जवाद अली बात कर। अरे बॉस तो आप लोग हैं, जहाँ चाहें जब चाहें जिसे भिजवा दें। हाँ ज़रूरी काम था, वो गजाला को दुबई जाना था। जुमे को पासपोर्ट की कॉपी तो होगी दफ्तर में तुम्हारे। थैंक यू। प्लीज़ ना खुश हो जाइए, हो जाएगा। थैंक यू। वुड भी चाहिए। आज आप जल्दी जा रहे हैं? हाँ वो एक टेंडर के डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। इतनी जल्दी भी नहीं जा रहा, 10 बजने वाले। ओके मैं गया। टिकट करवाना मत भूलिएगा। नाजमा चाय नहीं बनाई अभी तक? जी पानी रखा है अभी देर। वालेकुम सलाम। गुलदान में फूल नहीं लगाए माली ने, कहाँ है ये? इससे कहो जल्दी लगाए। ओह हो, फाइल तो ऊपर ही रह गई। तुम जाओ, तुम्हें नहीं मिलेगी, मैं खुद लेकर आता हूँ। बैठो। अरे अभी अभी गया है। अच्छा सुनो, मेरी टिकट हो गई है जुमे की। टाइम मुझे नहीं पता, तुम कब पहुंच रहे हो? वाओ, दैट मींस हमें एक लंबा वीकेंड मिलेगा। कब? तो पीर को तो मैं भी वापस आ रही हूं, एक आध दिन बढ़ा ना ले। न्यूयॉर्क? तुम अगर संडे को निकलोगे तो मुझे एयरपोर्ट कौन छोड़ेगा? तुम भी बहुत झूठ बोलते हो, सिर्फ बातें बनाना जानते हो। अरे बाबा ऑफ कोर्स आई डोंट मीन इट। जवाद अली बात कर रहा हूँ, जरा माजी साहब से बात कराइए। जी जनाब। हाँ शुक्रिया। एक्चुअली थोड़ा प्लान में चेंजिंग हुई है, ये जो जुमे की बुकिंग है ना, इसे कैंसिल करके मंडे की कर दो। ठीक है, मैं किसी को भी भेज दूंगा। थैंक यू। ओके बाय, जुमे को मुलाकात होगी। हाँ टेक केयर। ये माली ने अभी तक फूल क्यों नहीं लगाए? इससे कहना कि लगाने से पहले मुझे लाकर जरूर दिखाए। आप तो चले गए थे। हाँ लेकिन कुछ भूल गया था, वो लेने आया था। कब? अभी अभी, यहाँ मेज से ये फाइल लेकर मुड़ रहा था कि आपसे टक्कर होगी। अच्छा मैं निकलता हूँ। हाँ वो दुबई का टिकट बन गया है आपका, कोई आपको पहुंचा देगा ताकि आपकी तसल्ली रहे। एक प्रॉब्लम हो गया, क्या है कि सीट जुमे की नहीं बल्कि पीर की कंफर्म्ड है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? माजी साहब ने तो खुद बताया था कि फ्राइडे की बुकिंग हो गई है। कहा तो था लेकिन मुकर गया।
ये कैसे हो सकता है? मुझे तो जुमे को जाना था, पीर को जाके मैं क्या करूंगी? शॉपिंग। तेरा तो सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। सुने, मैं वहां अकेली क्या करूंगी? क्यों, जेबा होगी ना साथ? कौन जेबा? हाँ, जेबा तो होगी, लेकिन आप समझ क्यों नहीं रहे, हमारा प्रोग्राम जुमे को था। अब क्या कर सकते हैं, गुजारा तो करना होगा। जाइए और ढेर से शॉपिंग कीजिए। Have a nice time. चलो नजीर। आज का दिन भी खूब गुजरा। ये दोनों बहन भाई खासा लुत्फ का सामान मुहैया करते हैं मेरे लिए अपनी हरकतों से। मुझे उन पर रहम भी आता है कभी कभी। ये नहीं जानते कि उनका पाला किससे पड़ा है। जवाद अली को कोई उल्लू नहीं बना सका आज तक, ना बना सकेगा कभी। सर आप यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे तो मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवाऊँ। हाँ, टैंकी फुल करवा लेना और ध्यान रखना कि ब्रीफकेस रखा है पीछे मेरा। जी सर। इनका भी खाता चलता है पंप वालों के साथ। पेट्रोल 500 का तो पर्ची 100-200 ज्यादा, इसीलिए तो मुझे भी टैक्स चोरी करना पड़ता है। आज लोग नहीं है, पार खाली पड़ा है। रिटायर्ड सीनियर सिटीजन, दरमियाने दर्जे का सरकारी अफसर रहा होगा या शायद बैंक मुलाजिम वगैरह। सारी जिंदगी नौकरी और बीवी बच्चों की देखभाल में सर्फ हुई होगी और अब रिटायरमेंट के बाद इनका मसरफ होगा बहू और पोते पोतियों की खिदमत। छोटे छोटे कामों के लिए भेजे जाते होंगे, बिल जमा कराए, पास की दुकान से कुछ सामान ले आए वगैरह वगैरह। अपनी अफसरी के दिन याद करते होंगे और हर महीने नेशनल सेविंग सेंटर में जाकर अपने चंद लाख रुपए पर लगी बंदी रकम वसूल करने के लिए कई कई घंटे खड़े रहते होंगे कतार में। आजकल की इस्तलाह में इनको कहा जाता है लूजर। अब ख्याल आया होगा कि देर से सौदा लाने पर कहीं बहू बेटा नाराज ना हो जाए। ये रिटायरमेंट भी अजीब चीज होती है, सारे वजूद को धुंधला के रख देती है। शाम के इस धुंधलके की तरह देखें अब इससे क्या नमूदार होता है। ये साहबजादे लगता है कोई ठुकराया हुआ आशिक है। वाह।
अदाकार तो अच्छा है। माफ कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं अपने हवासों में नहीं हूं। अब ये उठेगा, अब मुड़कर मेरी तरफ आएगा, इधर उधर की बातें शुरू करेगा। आप यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ। अब कहेगा कोई इस शहर में अजनबी है। मैं पहली बार कराची आया हूँ। काफी प्रेडिक्टेबल है, बहुत ही बड़ा शहर है ये। चाहता है कि मैं परेशानी दरियाफ्त करूं। आप कुछ परेशान से लगते हैं, खैरियत तो है? परेशान? हाँ परेशान तो हूं। लीजिए अब कहानी शुरू होने वाली है। लेकिन अपनी परेशानी से ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, अपनी हिमाकत पर। चाहता है कि मैं बात को आगे बढ़ाऊं। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई, क्या किया आपने? अपना सत्यानाश कर लिया, और वो भी इस तरह के, किसी को सुनाऊंगा तो कहेगा कि झूठ बोलता हूं। इस शहर में मैं जानता कैसे हूं, किसे सुनाऊं? कोशिश करके देखिए, मैं सुन रहा हूं। सर आप, लेकिन आप अपना वक्त क्यों जाया करेंगे? मेरे पास बहुत वक्त है, आप कहिए। सर आपने कहा है तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। कहानी शुरू से सुनाई जाए तो अच्छा है। मैं आपका वक्त जाया करना नहीं चाहता, लेकिन अब आपने कहा है तो बताता हूँ। मेरा नाम अली है, अली असफर। लाहौर की एक फर्म में मुलाजिम हूँ, अभी 2 महीना पहले ही नौकरी मिली है। ये फर्म भी कुछ अर्सा पहले ही शुरू हुई है। इसके मालिक बाहर होते थे, लंदन में। यहाँ आकर उन्होंने ये दफ्तर बनाया है, इंडेंटिंग का काम है। पूरा स्क्रिप्ट तैयार लाया है, प्रोफेशनल मालूम होता है। आई एम इम्प्रेस्ड। क्या है कि सर काम तो अभी शुरू ही हुआ है, अभी तो रابطे हो रहे हैं लोगों से। वो बाहर की एक पार्टी है जिसकी एजेंसी हमको मिलना है, वो किसी को भेज रहे हैं हमारा सेटअप देखने के लिए। वो कल पहुंच रहे हैं कराची, मुझको उनको रिसीव करके एंटरटेन करना था 2 दिन कराची में, और फिर लाहौर लेके जाना था। तो इसमें क्या दुश्वारी पेश आ गई? अब जो आपको मैं बताऊंगा तो आप मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं आपको अच्छा खासा पढ़ा लिखा अकलमंद नजर आता हूं ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझसे बड़ा तो अहमक नहीं होगा इस दुनिया में। नहीं नहीं, आप तो ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ। आप तो बहुत से अकलमंद है, साफ जाहिर है। अरे कहाँ सर, अब देखिए ना मैंने क्या किया। मुझसे कहा गया था कि एयरपोर्ट से सीधा जाऊँ 5-स्टार होटल में कमरा लूँ, जहाँ का मेरे पास रेफरेंस भी था कोई, और फिर अगले दिनों का रिजर्वेशन भी करा लूँ प्रिंसिपल्स के लिए। अच्छा खासा आराम से रहता, लेकिन वही मेरी हिमाकत। नंबर बढ़ाने की मंसूबे, बॉस को इम्प्रेस करने की तरकीबें। आदमी जब ज़्यादा अकलमंदी की दिखाने की कोशिश करता है तो यही होता है। सर मैंने सोचा कि छोटे मोटे होटल में रात गुजार लेता हूँ, कंपनी की बचत हो जाएगी। मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि किसी दरमियाने से होटल में ले चलो। वो मुझे ऐसे इलाके में ले गया जहाँ गली गली में होटल थे। कहने लगा कि इनमें से कोई होटल पसंद कर लें। मुझे क्या था, जिस होटल के सामने टैक्सी रुकी थी उसी में घुस गया, नाम तक नहीं देखा। हाथ धोने का सोचा तो पता चला कि अपना साबुन तुम्हें साथ लाना ही भूल गया। वो मुझे कुछ एलर्जी सी है।
खास साबुन इस्तेमाल करता हूँ। मैंने बटवे के पास पड़े हुए नोट उठाए और नीचे किसी दुकान से साबुन खरीदने चला गया। फिर मैंने सोचा कि शाम तो हो ही रही है, क्यों ना कराची शहर की रौनक ही देख लूं। बस फिर थोड़ी देर बाजार में घूमता रहा। फिर मुझे ख्याल आया कि अगले हफ्ते तो एनिवर्सरी हमारी शादी की, राबिया के लिए कुछ लेता चलूं। राबिया बीवी है मेरी। बिल्कुल सही, मैं भी यही सोच रहा था कि मासूम सी एक हद बीवी तो होनी चाहिए थी, वो अब आ गई। लेकिन कोई एक आध बच्चा, बीमार माँ बाप, ये सब कहाँ है अब तक? एक बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर नजर आया, मैं उसमें चला गया, कुछ पसंद किया और एक छोटा मोटा खिलौना अपनी बेटी के लिए। यस। और माँ, माँ के लिए कुछ नहीं लिया आपने? वो तो बीमार हैं अब्बा के इंतकाल के बाद से। सर आप मेरा मजाक बना रहे हैं? मुझे पता था आप यकीन नहीं करेंगे। एनीवे, शुक्रिया। नहीं 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 अली साहब, आप तो बुरा मान गए। पूरा किस्सा सुना दीजिए आप, मैं जरा सनकी हो गया हूँ, प्लीज आप मायने ना कीजिएगा। सर आप संजीदा हैं? 100%। वो आप अभी बता रहे थे ना कि आपने कुछ तोहफे लिए थे अपनी बेगम और बेटी के लिए, तो उसके बाद? हाय हाय, लिए कहाँ थे, पसंद ही किए थे। जेब में हाथ डाला तो ख्याल आया कि बटवा तो होटल में रह गया था। अच्छा, तो आप बटवा लेने होटल चले गए? इरादा तो यही था, मगर मगर क्या? मगर मुझे होटल ही नहीं मिला। होटल नहीं मिला? होटल नहीं मिला? होटल नहीं मिला? गोया के वो 4-5 मंजिला होटल गायब हो गया। ओह, वो सर जब मैं पहुंचा था वहां तो रोशनी थी, सूरज गुरूब नहीं हुआ था। फिर रात हो गई तो वो सारी गलियां सड़कें बदल ही गईं। मैं एक जगह गया, पता चला गलत आ गया हूँ, दूसरे में गया फिर गलत, तीसरे में वो भी नहीं था। बड़ी देर मारा मारा फिरता रहा, होटल का नाम तक तो मैंने देखा नहीं था। अब मैं करता तो क्या करता, सेल फोन, वॉलेट, सामान सब कुछ तो कमरे में था, जेब में बस 10-15 रुपए थे। बिल्कुल अजनबी शहर जहाँ मैं एक शख्स को भी नहीं जानता। आप ऐसा करें कि घर फोन कर लें। हमारे घर फोन कहाँ सर, आस पड़ोस के जो नंबर हैं वो तो मुझे याद नहीं है, डायरी में लिखे हैं जो सामान में है। बॉस को कर लें, उनका नंबर तो याद होगा। जी याद है, लेकिन वो तो अपने फार्म हाउस पे गए हुए होंगे जो उन्होंने अभी ख़रीदा है। वहाँ तो उनका सेल फोन काम नहीं करता, सिग्नल नहीं आते उस इलाके में। तो दफ्तर का कोई और मुलाजिम? कोई दफ्तर तो अभी शुरू हुआ है, एक मैं हूँ और एक स्टेनो है जो कि मंगनी के सिलसिले में 2 दिन की छुट्टी पे गुजरात गई हुई है। तो अब क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम कैसा सर, रोऊंगा अपनी किस्मत को यहाँ बैठकर।
कोसूंगा अपने आप को, मेरी नौकरी तो गई। अब कल मेहमान आएंगे और उनको कोई रिसीव करने नहीं जाएगा तो पाकिस्तानियों को बुरा भला कहकर अगली फ्लाइट से वापस चले जाएंगे, लाखों करोड़ों का नुकसान होगा, मेरी नौकरी तो गई। बड़ी मुश्किल से मिली थी। अच्छी जगह थी, तरक्की के बड़े मौके थे, मेरी तो जैसे किस्मत खुल गई थी, लॉटरी निकल आई थी। वरना मेरे जैसे ग्रेजुएट्स मारे मारे फिरते हैं, कोई नहीं पूछता। सारे हमारे ख्वाब राबिया के और मेरे खाक में मिल जाएंगे। अम्मा तो शायद बर्दाश्त ही ना कर पाए, इतनी मन्नतें मुरादें मानी हुई थी उन्होंने। एक बात तो बताएं, वो जो फाइव स्टार होटल था वहां कोई तो होगा जिसे आप जाके ये सारी बातें बता दें। हाँ है, लेकिन उनके नाम वगैरह तो मुझे याद नहीं है। लिखा हुआ था सब कुछ, रखा हुआ है होटल में महफूज, बमें उस क्रेडिट कार्ड के जो मुझे मेरे बॉस ने दिया था, जिसके जरिए मुझे तमाम पेमेंट्स करने थे। क्या सुनहरी मौका खोया मैंने जिंदगी का। ऐसी नौकरी मुझे कब मिलेगी अब? बस इसीलिए तो सोच रहा हूं कि समंदर पे जाके डूब के जान दे दूं, यही बेहतर है ऐसी नाकाम जिंदगी से। तो वेरी गुड, एक्सीलेंट, 10 में से 9 नंबर मिले हैं आपको। ये लीजिए, रख लें, रख लें, खुशी से दे रहा हूं। सर आप मेरी तौहीन तो ना करें, मैं भिखारी तो नहीं हूं जो आप मेरी तरफ ये नोट यूं बढ़ा रहे हैं। अरे आप अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, सारी दुनिया को चोर और चक्का समझते हैं। अरे शराफत भी कोई चीज होती है, लेकिन इसका आपको क्या पता? अरे अरे अरे, ये कल का लौंडा मुझे जवाद अली की बातें सुना रहा है, इसके दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेंगे। साहबजादे अपना ये लेक्चर बंद करो, मैंने तुम्हारी पूरी अलीफ लैला सुनी, तुम्हें सराहा भी। अच्छा झूठ बोल लेते हो, एक दिन जरूर कामयाब होगे, लेकिन अभी बच्चे हो। अभी अपनी अदाकारी बंद करो, मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं, मुझे बेवकूफ बनाना चाहते थे तुम। समझते थे कि तुम्हारी कहानी में कोई झोल नहीं है। अगर ऐसी बात है तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, वो जो तुम निकले थे होटल से साबुन लेने के लिए, वो कहाँ है? दिखाना जरा मुझे। हो गई ना चूक। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं, यहां से फौरन रफू चेक करा जाओ। और सुनो, अपनी जबान को जरा काबू में रखा करो, शराफत सिखाने चले थे मुझे। चुप। कौन कहता है कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी है? मेरी जगह कोई और होता तो शायद झांसे में आ जाता। ना मालूम मुझ ही से क्यों टकराते हैं बेचारे।
नजीर, नजीर रोको इन्हें। तुम जाओ गाड़ी से मेरा ब्रीफकेस लेकर आओ। ले लो तुम्हारा साबुन, वहीं पड़ा था जहां तुम आकर बैठे थे। ये आपको मिल गया? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दिए तुम्हें। ठहरो, ये तुम्हारे मेहमानों को घुमाने फहराने ठहराने और लाहौर तक ले जाने के लिए काफी होंगे। नौकरी बच गई तुम्हारी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी सारी रकम मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं कौन सा तुम्हें हमेशा के लिए दे रहा हूँ। लाहौर पहुंचकर इसे लौटाने की फिक्र करना। ये मेरा कार्ड, अब जाके आराम करो 5-स्टार होटल में। एक मिनट, वो जो तुमने एनिवर्सरी के लिए और बेटी के लिए देखा था ना, ये उसके लिए है और ये लौटाने के लिए नहीं है, मेरी तरफ से तोहफा है। बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने कह दिया ना, जाओ। गाड़ी में जाकर रखो, मैं आ रहा हूं। ठीक है सर। क्या तलाश कर रहे हैं बड़े साहब? मैं ढूंढ रहा था, मेरे सौदे में से कुछ गिर गया था यहां, साबुन की टिकिया थी थैली में, आपने तो नहीं देखी। हा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 ह